अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। कल सहरी के टाइम जो है ना, वो बहुत तेज़ हवा और बारिश हुई थी, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीखें और फ्लेक्सें नीचे दिख रही हैं। लेकिन अब जो है वो हम उठ गए और धूप निकली भी है, तो सारी फ्लेक्सें और चीखें जो है ना वो उठा लेते हैं, ताकि इनको धूप वगैरह लगे हमारे जानवरों को। चीखें और फ्लेक्सें जो है ना वो मैंने ऊपर कर दी हैं। कल जो है मोरों को हमने 1.5 कप डाला था और उन्होंने खाया हुआ है 1.5 कप, तो आज भी जो है ना हम 1.5 कप जो है ना नाप लिए। इसमें 2-3 दिन 1.5 कप डाल के देखेंगे कि रोज़ ख़त्म करते हैं कि किसी एक ही दिन इन्होंने मुकाया है। देखें ख़त्म की हुई है फीड पूरी जी, मोर को ही देने लगे हैं। 1.5 कप में से वैसे ज़रा थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है, बिल्कुल ज़रा सा, तो इसका मतलब इनके लिए 1.5 कप जो है ना वो बिल्कुल ठीक है अमाउंट, अगर ये रोज़ 1.5 कप खा लें तो। हाँ भाई मोरू, सुबह सुबह डांस करना शुरू कर दिया तुमने, हैं वो देखें कैसे पर हिला रहा। वो देखें पिजन्स मेरे, देखें आगे पीछे घूम रहे हैं कि हमें कब दाना मिलेगा। मिलेगा भाई, मिलेगा, सबको मिलेगा, टेंशन ही लेनी। आज मैं यूजुअली जितने बजे उठता हूँ उससे ज़रा घंटा जो है ना वो लेट उठा हूँ, जिसकी वजह से जो है ना काम थोड़े आज डिले हो गए मेरे। हमारी पिजन्स की खुराक आ गई है, चेक करें कितना मज़े का दाना इनका, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आ दे तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें दे रहा हूँ, टेंशन ले ली। किंग की फीमेल हमारे मत्थे पे आके बैठी हुई है, अभी मैं दरवाज़ा खोलूँगा ये पीछे चले जाएंगे। अब तो रोज़ की बात हो गई है ना, पूरी स्क्रिप्ट याद है मुझे। थोड़ा सा और ले लो, चलो जी उधर वाले को देखो, सारों को कितनी माशाल्लाह से भूख लगी हुई है। अंडे से बच के, अंडे से बच के दावे, अंडे पे पाँव नहीं देना, पीछे हो जाओ, इससे पाँव हटा के। आपने देना है यार, ये देखें इसके पर नोच नोच के खाए हुए हैं यहाँ से, इसके ऊपर तो जुल्म ही हो रहा है। सही, तुम नीचे क्यों आते हो भाई, हैं इसको मैंने बड़ी दफ़ा ऊपर किया है, मैं बार बार नीचे आ जाता। अच्छा अब हम जो है ना लैला के बेबीज देखें ज़रा, ये तो ब्लैक ब्राउन ही दिख रहे हैं मुझे दोनों। ये देखें ये ब्राउन लग रहा है निकलेगा, चूँच भी देखें इसकी ब्लैक है, लैला की तो चूँच वाइट है, लैला की चूँच इसकी जैसी है, लेकिन इसका भी कलर देखें ब्राउन ही लग रहा है, तो मुझे लगता है कलर्ड ही बच्चे निकलेंगे दोनों लैला के। और जो हमारा शिराजी और किंग का जो बच्चा निकलता है वाइट ही निकलता है, पहले भी निकला एक वो भी वाइट था, वो इधर फिर रहा है बीच में। कौन सा हो रहा था, कौन सा हो रहा था, ये जो है ना ये है, इस दफ़ा भी जो है वो वाइट ही निकला, तो एक भी बच्चा शरारती जैसा नहीं निकला जिसमें ग्रे कलर के पर हो और फेस हो, अजीब बात। चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, हम चाहते हैं कोई नया कॉम्बिनेशन निकले किंग के साइज का हो, और किंग असल में शरारती से भी बड़े होते हैं, और शरारती का प्रिंट हो तो कमाल ही हो जाएगा। तुमने इधर ही अंडे देने होते हैं, और कोई जगह नहीं मिलती तुम्हें। अपने असीलों को और
चूजों को जो है ना डाल दिया दाना, इधर बंटी पब्लिक को भी दाना डाल दिया। जल्दी जल्दी दाना डालते ताकि हम आज मुर्गियों को खोल के जरा एंजॉय कराएं थोड़ा सा। धूप काफी तेज है तो ज्यादा एंजॉय भी नहीं कराएंगे कि बेचारे बीमार ही हो गए। चलो भी तुम लोगों का काम भी हो गया। तुम लोगों की बारी आने वाली है, आने वाली आने वाली, टेंशन नहीं लेनी, आने वाली है। जावियर को मैंने कहा है बेसिकली बाहर आ जाओ पिजन केज से, उसको जो है ना पिजन का केज इतना पसंद आ गया वो अंदर ही रह गया, बाहर ही नहीं आ रहा। अब इसको किसी चीज की लालच दे के बाहर निकालना पड़ो। देखे जावियर पिजन्स को खाना खाने दो बेटे, ना तंग करो उन्हें। खाना खाने दो फिर पकड़ लेना, हाँ अभी खाना खाने दो। आ जो नहीं अभी नहीं आना उन्होंने तुम्हारे पास। जाना हम अपनी बाकी मुर्गियों के लिए खाना लेके आते हैं और उनको खोलते हैं। जावियर को मैंने बाहर निकाल लिया, ये कह के मुर्गी का अंडा अंदर से निकाल के देना मुझे आपने। जावियर इधर आ जाओ, आप साइड पे आ जाओ ना, मुर्गियां बाहर आने लगी। दौड़ गया जावियर। अच्छा जावियर पहले नहीं डरता था इनसे, लेकिन जब से इसको मुर्गे ने मारा ना एक ने, तब से जो कुछ भी नहीं रखा आज भाई तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं है। चलो एंजॉय करो। तो वो देखें जी, एक एग वो पड़ा है, एक वो पड़ा हुआ है। जावियर इधर आओ, एग निकाल के दो बाबा को। जाओ वो एग लेके आओ, कुछ नहीं कहेंगी बेटे, कुछ नहीं कहेंगी। आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ, वो एग निकाल के लेके आओ ना। वो नहीं है मुर्गी का एग है ना, लाओ। खाना नहीं आपने एग ब्रेकफास्ट में, जाओ लेके आओ। नहीं खाना यार, ले आओ यार, क्या हो गया। बाबा लाएंगे, बाबा लाएंगे। तो जावियर क्या लेके आएगा? दरवाजा खोल दिया मुर्गी का। देखिए दावेर साहब का कोई मूड नहीं है अंदर जाने का। वो माशाल्लाह एक और एग मिल गया, तीन हो गए, तीन हो गए, तीन हो गए। तुम दिखाओ, तुमने नहीं कोई अंडा? ये भी एक आधा अंडे पे बैठी होती है अक्सर। ये देखे जी, एक आधे की क्या बात है भाई, पांच अंडों पे। पांचों गिरे ना मेरे हाथ से बस। नहीं पहले मैंने आपको कहा था ना लेके आओ अंदर से, तब तो तुम लेके नहीं आए। आप तुमने एग पकड़ना है, इसको एग हम बिल्कुल भी नहीं पकड़ा सकते। ये एग पकड़ के ना ठा करके नीचे फेंकता, फिर जो है ना अंडे का हो जाने हमारा फंडा। आहिस्ता आहिस्ता ना मैं अपनी मुर्गियों की खुराक भी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। उसकी रीजन ये थोड़ी जाया करनी स्टार्ट कर दी इन्होंने, उनको ओवर फीड करना स्टार्ट किया और मैंने थोड़ा सा, क्योंकि काफी ज्यादा मुर्गियां इकट्ठी थी तो मैंने बगैर सोचे समझे इनको फीड डाल ली, नहीं स्टार्ट कर दी थी। दो ये ब्लैक वाले बाउल, अब ये देख रहे हैं आपको, पहले ये भर भर के डालता था दो, अब ये मैंने थोड़े ऊने ऊने कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता अगर इनको सिर्फ ये डेढ़ की जरूरत हुई तो मैं सिर्फ डेढ़ ये डाला करूंगा डब्बा ब्लैक वाला, क्योंकि ज़्यादा फीड डालते हो ना वो बाद में फिर उसके साथ ये कचरा मिक्स कर देते हैं और वो नीचे घूमती रहती है, फिर उसको पोटियों के साथ और लग जाती है सारी और फीड ज़ाया होती है ऐसे। गाइस ये चक्कर है, सारी मुर्गियाँ खुद ही तकरीबन अंदर जा चुकी है, सिर्फ ये ब्लू और पिंटन बाहर फेर रही है, इसको अंदर करते हैं। काफ़ी विटामिन डी इन्होंने ले लिया। तुम यार इस मुर्गे से क्यों लड़ने आती है? चलो उधर चलो, चलो अंदर हो जाओ सारे। ब्लू और पिंटन, गोल्डन बाफ, रोल कॉर्न,
प्रेजेंट सर बोलो आगे से क्या हो गया। गोल्डी हो गई हमारी, दो व्हाइट मुर्गियां, एक लाल मुर्गी, एक काली मुर्गी, 1 2 3 4 मुर्गे, 1 2 3 4 5 5 हमारी असील मुर्गियां भी हो गई हैं, पूरे हैं सारे। देखा आज मैंने सुकून से तसल्ली बख्श काम किए इनके, और शाम को आके जो है ना इनका पानी वगैरह भी चेक करूंगा मैं और डालूंगा पानी। आज हो सकता तो मैं बाजार का चक्कर लगाने की कोशिश करूंगा, थकावट तो यही कह रही है कि जो है ना रेस्ट किया जाए, लेकिन हम जो है ना समझ नहीं आ रही अभी कुछ क्या करें क्या ना करें। ये देखें जी जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, ये है जी लैला, वाइट कलर का जो आपको सिंगापुरियन या इंडियन लक्का नज़र आ रहा है ना, ये लैला है। और ये जो अंडों पे बैठा हुआ है ब्राउन कलर का, ये है जी हमारा स्विंग नेक। इसको ज़रा करीब से भी जाके मैं आपको दिखाता हूँ, इनके बच्चे हैं जो मैं आपको दिखा रहा था, और काफ़ी यूनिक किस्म का जो है ना वो कलर निकला इनका, इनके बच्चों का। देखते हैं ब्राउन ही निकलने मेरे तो, जिस तरह का उनका बॉडी कलर है ना लगता ब्राउन फैदर्स आएंगे उनके। गाइस आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक था, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।